नमस्कार दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड सीई 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके प्राइसिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों वन प्लस नॉर्ड सीई 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। यह वन प्लस नॉर्ड के तरह ही होगा, लेकिन उससे थोड़ा इसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके प्राइसिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो फ़ोन है वह अमेजन के एप्लीकेशन और वन प्लस स्टोर एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाला है। तो ये दोनों एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उन्हें करना क्या है, इस एप्लीकेशन को अपडेट करना है। ये सब करने के बाद आप अमेजन का एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से खोल सकते हो, और यहाँ से मॉल वेब सेक्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हो वन प्लस नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन पर। दोस्तों ये फ़ोन जो है वह 10 जून को लॉन्च होने वाला है, मतलब लॉन्च बहुत करीब आ चुका है। लेकिन अगर अभी भी आपको वन प्लस नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन के प्राइसिंग को लेकर कोई इशू आ रहा है कि मतलब कितना प्राइसिंग होगा या फिर नहीं होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिलेगा, उसके बाद 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, उसके बाद इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, और फ़ोन बिल्कुल वन प्लस नॉर्ड के तरह ही है। आपने यहाँ पर जान लिया कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो स्पेसिफिकेशन मिलेगा वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है। दोस्तों वन प्लस नॉर्ड जो लॉन्च हुआ था उसका प्राइसिंग काफ़ी हाई था, मतलब अंडर 30,000 में आपको देखने को मिला था वन प्लस नॉर्ड फ़ोन। लेकिन यहाँ पर जो वन प्लस नॉर्ड सीई 5G स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग काफ़ी कम होने वाला है, मतलब 21,000 में आपको एक ब्रांड देखने को मिलेगा, और एक ब्रांड आपको 25,000 के अंदर में देखने को मिलेगा, और एक ब्रांड आपको 27,000 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीन ब्रांड आने वाले हैं, और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इसका जो बेस ब्रांड होगा वह 8128 के साथ होगा। अगर इसका प्राइसिंग 21 या फिर 22 के आसपास होता है तो फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने Mi 10i को भी देखा होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G मिलता है, लेकिन उसमें आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसलिए उसका जो प्राइसिंग हुआ 21,000 के आसपास है। लेकिन वन प्लस नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन का एक ब्रांड अगर आपको 21,000 या फिर 22,000 में देखने को मिले तो काफ़ी यहाँ पर एक्साइटिंग हो सकता है। और मुझे यहाँ तक कन्फर्म पता है कि इसका एक ब्रांड आपको 21 नहीं तो 22 के आसपास में आएगा, और एक ब्रांड 25 के आसपास में आने वाला है। यहाँ पर फ़ोन जो भी होगा वह 27,000 के अंदर में ही आने वाला है, और स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसे अपग्रेड नहीं किया गया है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट IQ G3 में आपको स्नैपड्रैगन 768 देखने को मिलता है, वैसा यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं किया गया है। लेकिन बाकी जो स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग है इसी पर इसका मेन फोकस है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वन प्लस नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन आपको 21,000 नहीं तो 22,000 में देखने को मिलेगा, 8128 का ब्रांड, और बाकी जो भी ब्रांड होंगे वो आपको 27,000 के अंदर में ही देखने को मिलेगा। फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है, और विशेषकर यहाँ पर हेडफोन जैक का दे देना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। अगर आप वन प्लस नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आप हमें गेस करके बताइए कि इसका क्या प्राइसिंग होने वाला है। वैसे मैंने जो बताया प्राइसिंग, इसी प्राइसिंग के साथ वन प्लस नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। आप वैसे वेट कर सकते हो, इसका जो लॉन्च है वह 10 जून को होने वाला है। ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसका स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, बाकी इसका जो UI वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर प्राइसिंग भी बता दिया कि 21,000 to 22,000 के आसपास में एक ब्रांड होगा, और बाकी जितने भी ब्रांड है वह आपको 27,000 के अंदर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको प्राइसिंग को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।